हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने 10वें क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम 11वें क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो देखिए, ये जो पाटलिपुत्र है ना, यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम, तो ऐसा तो है नहीं कि पाटलिपुत्र को गुप्त काल में जा कर के बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आ रहा है ना, मौर्य से बहुत बाद में आ रहा है। और इसका स्थापना कब हो गया था? इसका स्थापना हो गया था उदयन के समय ही, उदयन के समय ही, जो कि हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का था। तो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसको राजधानी भी उसने बनाया था। तो यहाँ पर उदयन का नाम तो है नहीं, क्योंकि उदयन ने तो पहले बना लिया था। लेकिन अब पूछ रहा है यहाँ में से, इसमें से, कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ से देखिए, इसमें से हमें ढूंढना है, तो गुप्त तो आपके होंगे नहीं, कनिष्क भी बहुत बाद में आ रहा है, तो कनिष्क भी आपका नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान, तो अशोक महान भी नहीं थे, क्योंकि इनके समय पर यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। लेकिन राजधानी इन्होंने नहीं बनाया था। तो अब बचते हैं कौन? आपके बचते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर है आपका ए। यहाँ पर कह रहा है कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी, एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित भी की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किस हर्यक वंश के शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो वो थे उदयन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो हमने देख लिया, उदयन ने बसाया था। अगला है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सर्वप्रथम, तो अब देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर देखिए अजातशत्रु है, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे मौर्य ओर्य, यहाँ पर देखिए काला शोक है, लेकिन मौर्य ओर्य नहीं है, ठीक है। ये जितने भी हैं उसी काल से संबंधित हैं, तो ये कनिष्क भी नहीं है, क्योंकि ये कुषाण वंश के हैं, कनिष्क कुषाण वंश, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है, इसी ने बसाया था, उदयन ने ही बसाया था, और उदयन ने ही सर्वप्रथम राजधानी भी बनाया था। तो आंसर हो गया आपका ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर उदयन, यहाँ पर है सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि उदयन वास और दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से, या आपका कौशाम्बी से? तो ये है आपका उज्जैन से, आंसर है इसका ए। दिया है कि उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश, नरेश प्रदोत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसके रचयिता कौन हैं, ठीक है, और इसमें किसकी किसकी कहानियाँ बताई गई हैं, और वो कहानी किससे संबंधित है, बस इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, या ईसा पूर्व पहली शताब्दी में? तो अभी हमने देखा ईसा पूर्व छठी शताब्दी का ही राजनीतिक हम लोग वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये छठी शताब्दी में ही आएगा आपका, और इसके पीछे कारण भी है साम्राज्य, क्योंकि उस टाइम लोहे का ज्ञान हो गया था लोगों को, लोहे से क्या हुआ, औजार बना, औजार औजार बना, तो कृषि खेती में विस्तार हुआ, कृषि विस्तार हुआ, उत्पादन अधिशेष हुआ, उत्पादन अधिशेष हुआ, बढ़िया से इसका व्यापार हुआ, और व्यापार से स्थिति कहाँ चली गई, साम्राज्य में परिवर्तित हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा लाभ हुआ और पैसे वगैरह भी आ गए, तो इसलिए यहाँ पर नगर से ये कहाँ चला गया, साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध ही था, आंसर इसका डी। यहाँ पर दिया कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है।
मगध की कोसल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल हुआ। तो मगध अंततः सफल क्यों हुआ था मैं आपको बता दी, क्योंकि इसके पास एक तो जंगल था, बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा जंगल था, उसमें से हाथी वगैरह जो होते थे वो पकड़ के ला करके सेना में भर्ती किए जाते थे प्रशिक्षित करके। फिर लोहे का खदान भी था, खदान वहाँ से जो भी शस्त्र वगैरह हैं उनका भी निर्माण हो जाता था। और ये जो मगध था ना ये घिरा हुआ था पहाड़ों से, तो इसका सुरक्षा भी हो जाता था, सुरक्षा भी यानी एक प्राचीर दीवार के तरह वो काम कर रहा था, प्राचीर दीवार की भांति वो काम कर रहा था। तो मगध के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट थे, इसलिए मगध ही इसमें सर्वोच्च बन करके उभरा था। ये छोड़ दीजिएगा। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, लिच्छवी, आंसर इसका डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी, वैशाली में, एथेंस में, पाटलिपुत्र में या स्पार्टा में। तो ये था वैशाली में, वैशाली के जो लिच्छवी थे, वैशाली के जो लिच्छवी थे उन्हीं के द्वारा ये व्यवस्था स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए इसका, इस क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा दिया भी है, प्रसार करके दिया, विस्तार में यहाँ पर दिया भी है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। तो बस इतना ध्यान आपको रखना है कि जो गणतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पर की गई थी, तो वैशाली में किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग में उपयुक्त जोड़ी है, यानी कौन सा इसमें सही सुमेलित है, पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य वंश के, चेतक लिच्छवी वंश के। तो ये चेतक जो थे ये लिच्छवी वंश के थे, हमने इसको पढ़ा भी था। कह रहा कि राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, इनकी पुत्री चिलन्ना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। तो यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, हमने देखा भी था, चिलन्ना क्या थी, ये चेतक की बहन थी, यहाँ पर पुत्री दिया है, ये पुत्री गलत है, ये चेतक की बहन थी ना कि पुत्री, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये पुत्री दे दिया है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। हालांकि जो लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन भी बताया गया था कि किस तरीके से यूपीएससी में पूछा गया है, और वहाँ पर पुत्री ही दिया है जो कि गलत था, क्योंकि ये बहन थी। अगला है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ में, तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ में भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथ में भी मिलता है, किस में, भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में इसमें भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में मिलता है। यहाँ पर 16 महाजनपद दिए हैं, तो ये 16 महाजनपद जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम पे, और इन 16 महाजनपदों में से जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो ये जो 16 महाजनपद हैं इनके आप इनकी राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि राजधानियों से ही आपका क्वेश्चन पूछता है। कह रहा कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो अभी हमने देखा किसमें है, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा राजधानी, जैसे अंग की राजधानी चंपा है, मगध की क्या है, काशी की क्या है, कौशल की क्या है, ये राजधानी आप ना एक पेज पे लिख करके इसको अगर 2-4 बार आप देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, और एंशियंट से जो आता है ना क्वेश्चन यहीं से आता है, और कोई संभावना नहीं है, हो सकता है आपका कि क्वेश्चन यहाँ से बनी जाए, ठीक है, कोई संभावना ही नहीं है कि क्वेश्चन ना बने, क्योंकि यहाँ से आपका यूपीएससी में केवल एक जोड़ी सही, केवल दो जोड़ी सही वाला भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, फिर मिलान वाला भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो अगर आपको ये राजधानी याद नहीं रहेगा तो फिर आप कन्फ्यूज जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको 2-4 बार आप देखेंगे जब जा करके ये माइंड में फिट होगा अच्छे से, ठीक है। तो संभावना है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसका, जैसे इस बार का ही पूछ लिया था आपका बीपीएससी में,
यहाँ से ये जो मगध है प्राचीन पूछ लिया था कि वैदिक काल में प्राचीन जो मगध की राजधानी थी उसको किस नाम से जानते थे, तो वहाँ पर राजगिरी भी दिया था, पाटलिपुत्र भी दिया था, तो उसका आंसर था राजगिरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का, तो सेम वही है अंगुत्तर निकाय ही। अगला देखिए, महाजनपद युद्ध के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों की बात किया जा रहा है। मगध मिलता ही है आपका, कम्बोज मिलता ही है आपका। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर दिया है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं? ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे, ये जो पांच हैं, ये सब के सब किस में हैं? 16 महाजनपदों के नाम किस में हैं? इसमें हैं, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में, और साथ ही भगवती सूत्र में। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कौन कौन से इसमें से जो महाजनपद हैं वो उनका उल्लेख मिलता है। तो एक तो मिलता है मगध का उस टाइम पे, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत में आता है उस टाइम के, और बताता भी है प्रशासनिक आर्थिक स्थितियों को। तो मगध हो गया, तो ए देखिए किसमें है, ए इसमें है और ए इसमें है, लेकिन इसमें और इसमें नहीं है। फिर दूसरा जो है आपका वो है अस्मक। अस्मक भी मिलता है उस टाइम पे पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो अस्मक देखिए बी कहाँ पर है, बी यहाँ है, लेकिन बी यहाँ पर नहीं है। आपका आंसर है ए, आंसर है ए। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसका किसका मिलता है। तो अस्मक का मिलता है, फिर आपका मगध का मिलता है, और कम्बोज का मिलता है, कम्बोज का। लेकिन वत्स और चेदी का नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण थे हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत की गांधार में हुआ था। तो पाणिनि का यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो दो तरह से बनता है। एक तो पाणिनि ने किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका दे दिया है, अष्टाध्यायी की रचना की थी। या ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने। ऐसे कर सकता था निम्नलिखित में से पाणिनि ने किसकी रचना की थी, तो अष्टाध्यायी की। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से आप ध्यान रख लीजिएगा कि पाणिनि जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था गांधार में। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा 8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8। अ से ध्यान रख लीजिएगा, अ से अष्टाध्यायी और आ से 8। पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो जनपदों का उल्लेख किया गया है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही किया गया है। जबकि जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है और जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इनमें 16-16 ही हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको घुमा देगा कि ये जो पाणिनि का है। आप सोचेंगे कि जब 16 महाजनपदों की बात होती है वहाँ पे, जो 16 जनपद हैं वहाँ पे, ये महाजनपद है, ध्यान रखिएगा ये महाजनपद है, और यहाँ पर इनके जनपदों की बात की जा रही है। तो जनपदों में भी तो महाजनपद आपके शामिल होने, क्योंकि मगध भी तो महाजनपद ही था। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा पाणिनि के अष्टाध्यायी में सम्मिलित नहीं था, जैसे कि चेदी हो गया, वत्स हो गया आपका। और ध्यान रखिएगा कि कौन कितने इसमें जो इस ग्रंथ में कितने जनपदों का उल्लेख हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका दो स्टेटमेंट बना करके घुमा देगा। इन दोनों में 16-16 हैं, लेकिन यहाँ पर 22 है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अभी हमने देखा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, तो 2 और 4 कहाँ है? यहीं पर है, आंसर हो गया आपका ए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कहाँ थी। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो मैंने ऊ और अ ऐसे करके बताया था आपको, कि मैं बोली थी कैसे कुछ है ट्रिक वगैरह, हालांकि ट्रिक तो नहीं है ये, लेकिन ऐसे ही कुछ लॉजिक लगा करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी, ये ध्यान रखिएगा। हस्तिनापुर तथा इंद्र प्रदेश कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। तो मथुरा की, सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और इंद्रप्रस्थ की राजधानी और कुरु की राजधानियाँ कौन था? हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी, यानी कुरु की दो राजधानियाँ थी। एक तो था आपका हस्तिनापुर और दूसरा था आपका इंद्रप्रस्थ।
यहाँ पर ध्यान रखिए, कुरु की, ये कुरु की राजधानियाँ थी। ठीक है, फिर आपका कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी, तो अभी हम पढ़े सुरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मैंने जब आपको राजधानी वाला बता रही थी कि अभी आपको जो 16 ये जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी आपको याद हो, जैसे कि अंग की राजधानी चंपा, तो यहाँ पर आ गया वो। तो कभी कभी ना सुनी हुई चीज़ भी काम आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आप सुना सुना कीजिए जो भी बोला जा रहा है अच्छे से, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप भूल सकते हैं लेकिन सुनी हुई चीज़ नहीं भूल सकते यदि आपने अच्छे से सुना है तो। अब यहाँ पर है कि उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, तो इससे हमें मतलब नहीं है। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मालिनी किसका प्राचीन नाम था, तो ये था आपका चंपा का। फिर है कि दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो ध्यान रखिएगा कि चंपा का निर्माण, चंपा नगर का निर्माण किसने किया था, तो ये किए थे महागोविंद, जो कि किससे संबंधित थे, वास्तुकार से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी पांचाल की, कुरु की, चेदी की या अवंती की, तो ये थी चेदी की। आंसर आपका सी, सुक्तिमती। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है कौन सा है, अवंती है कि वत्स है कि अस्तक है या आपका कंबोज है, तो ये है अस्सक, आंसर है सी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अस्मक, इसको अस्सक को अस्मक ही कहते हैं, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। तो किसके मध्य स्थित है ये ध्यान रखेंगे, गोदावरी और नर्मदा के मध्य में, जैसे कि सोन और गंगा के मध्य में कौन सा था, हमने अभी अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से देखा था, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपका अस्मक है ये नर्मदा तथा गोदावरी के बीच में है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, मत्स्य महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में, तो ये है आपका राजस्थान में, आंसर है इसका बी, ध्यान रखेंगे। फिर मगध की राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान, वैशाली, चंपा या गिरिवर्ज, राजगिरी, तो राजगिरी ही था, क्योंकि मैं बौद्ध संगतियों की बात बताते आती हूँ, तो ये भी मैंने बताया था आपको कि जो अजातशत्रु के समय पे जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो ये राजगिरी यही है। गिरिवज्र भी करके दो करके से दे देगा आपको कि कौन सी राजधानी है, गिरिव्रज भी कहते थे इसको, और यहाँ पर राजगिरी भी कहते थे, और पाटलिपुत्र तो उदयन के समय इस राजधानी को ले जा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, ये भी ध्यान रखिएगा। मगध पर सबसे पहला शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो वो था आपका बृहद्रथ। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था, यानी सर्वप्रथम जो गिरिव्रज को राजधानी या राजगिरी को राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, तो सर्वप्रथम बनाया था जरासंध ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बिम्बिसार भी बनाया था मगध को, मगध की स्थापना के बाद बिम्बिसार ने भी इसको अपनी राजधानी बनाया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे वास्तविक निर्माणकर्ता बिम्बिसार को ही मानते हैं मगध का, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पर पूछता है कि सबसे पहले शासन किसने किया था, तो वो किया था बृहद्रथ ने। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिम्बिसार था। ठीक है, इसीलिए इसको हम वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं मगध का। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो यह हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है विशेष करके ये।
फिर मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह ही था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की, प्राचीन की बात कर रहा है, पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग या चंपा? ना तो चंपा था, क्योंकि चंपा तो अंग की राजधानी थी, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। वैशाली भी नहीं था, पाटलिपुत्र भी नहीं था, क्योंकि प्राचीन की बात कर रहा है, राजगिरी था ना, अभी हम ऊपर ही देख रहे हैं, तो आंसर इसका ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी रही नहीं रही नहीं रही है? हमने देखा गिरिव्रज भी था, राजगिरी भी था, पाटलिपुत्र भी था, लेकिन कौशाम्बी भी नहीं था। आंसर है इसका डी। तो ये जो फैक्ट है ना, ये चाहे UPPCS हो आपका, या PPSC हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट PCS हो, UPRO, ARO, यहाँ तक कि UPSC या UPSC EPFO, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्प करता है, यदि आपने चीज़ों को समझ के अच्छे से पढ़ा है तो। अगला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो ये था अर्धचंद्राकार, आंसर है इसका बी। कह रहा कि प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था। फिर आगे, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था बिंबिसार, सॉरी बिंबिसार नहीं, ये था आपका अजातशत्रु। ठीक है, तो इसने क्या किया था, शासन अपना राज्यारोहण करने के लिए, शासक बनने के लिए, अपने पिता, ये पिता थे इसके, अपने पिता की हत्या कर दी थी। और फिर उदयन ने भी ठीक ऐसे ही किया, इसकी हत्या कर दी। तो वही पूछा है कि पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, यानी जैसी करनी वैसी भरने वाला, ये जो लुक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पर सत्य प्रतीत होती हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अभी हमने देखा था ऊपर, हर्यक वंश का, आंसर है बी। फिर अगला है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, इसमें देखिए अजातशत्रु, फिर है चंद्रप्रदोत, प्रसन्नजीत, उदयन, इसमें से तो ये भी था, अजातशत्रु भी था, और अजातशत्रु के किसने किया था, उदयन ने किया था, दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पर जब दोनों में से कंडीशन आया ना, तो पहले वाले को चुनिए, आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणतंत्र को हराकर आत्मसात किया था? वज्जी को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, महापद्मनंद ने, या अजातशत्रु ने? तो आंसर है इसका डी, वज्जी गणतंत्र को अजातशत्रु ने हरा करके अपने में इसका क्या किया था, विलय कर लिया था, अपने जो भी इसका साम्राज्य था उसमें। यहाँ पर देखिए, कह रहा कि वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था, यहाँ के शासक लिच्छवी थे, बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था। किसके समय से? बिंबिसार के ही समय से था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। नीरियावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेतक था, उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया था। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया, पाटलीग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये मेंस का हो सकता है कि कूटनीति कैसे, जो मगध साम्राज्य के शासक थे वो कूटनीतिज्ञता के माध्यम से कैसे मगध साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करवाए थे, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसके बारे में, अजातशत्रु के बारे में, किसने क्या किया था, कूटनीति से काम लिया, इसने पाटलिग्राम में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। ये होता है कूटनीति, और यही चीज़ क्या करते थे, अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो की नीति। वो आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर देखें कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो कोई भी उतना शक्तिशाली शासक नहीं रहा था मुगल वंश में, तो उन्होंने देखा जब वो व्यापार करने आए थे, तो जो क्षेत्रीय शासक जैसे कि मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, ऐसे करके जो थे, मुर्शीद कुली खां हुआ, फिर अवध का नवाब हुआ, तो हैदराबाद का नवाब हुआ, तो इस तरीके से ये लोग आपस में उलझे रहते थे, मतलब कि मैं अपना इधर बना लूँ, वो सोचता था मैं अपना इधर साम्राज्य खड़ा कर लूँ, इस तरीके से वो लड़ते रहते थे। तो कोई भी
उस टाइम पे व्यापारियों के उसमें सहयोग नहीं कर रहा था जो व्यापारी आए थे। अब जाहिर सी बात है, जब युद्ध की स्थिति है, संघर्ष वहाँ पर चल रहा है, विद्रोह हो रहे हैं, तो व्यापार पे कौन ध्यान देगा? आए तो थे वो व्यापार करने, लेकिन जब वो देखे कि इनमें ही एकता नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया कि इनमें एक दूसरे से लड़ाओ और लड़ा करके यहाँ पर शासन करो। तो यही कारण था। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, सेम ऐसे ही इसने भी किया था, अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। यानी आप अगर शॉर्टकट में यहाँ पर लिखें तो बता दें, कूटनीतिज्ञता अजातशत्रु, कूटनीतिज्ञता के माध्यम से जैसे मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी, परिणाम स्वरूप और उनका संगठन कमजोर हो गया। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद से अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो आप देख सकते हैं, मतलब 9 लिच्छवी इकट्ठे हुए थे, 9 मल्लों थे, 18 गणराज्य थे। इतने लोगों को एकत्रित करने के बाद से यहाँ पर अजातशत्रु ने इनको हरा दिया। कैसे? तो कूटनीति के माध्यम से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि जो अजातशत्रु का मंत्री था उसका क्या नाम था? वस्कार। ध्यान रखेंगे, वस्कार था। तो अभी फिलहाल हम इसको यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।